नमस्कार हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देश में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस वायसओजी टीम द्वारा कोतवाली क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के पास से 7 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा 1 अदद तमंचा व 315 बोर का व 2 कारतूस बरामद किए। राम सेवक और मुरारी, ये दोनों ही रहने वाले सिलगन थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं। इसमें एक जो इनका साथी है भरत लोधी, वो चंदेरी का रहने वाला, फरार हो गया मौके पर। फिर भी इनकी निशानदेही में बाकी जो 2 मुलजिमों हैं उनसे हमें 7 जो मोटरसाइकिलें हैं अलग अलग जगह से चोरी हुई थी, ललितपुर से, चंदेरी से, अशोकनगर और इधर हमारे सागर के एरिया से, तो 7 बाइकें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो ये राम सेवक व्यक्ति, इसके पास से 312 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है और उसमें 2 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये शातिर टाइप के क्रिमिनल थे जो अपने साथ में तमंचा लेके चलते थे आसपास के जनपदों में, जहाँ पे भी जाते थे वहाँ से बाइक की चोरी कर लेते थे। ये 7 बाइकें बरामद हुई, इनकी हम वो करा रहे हैं, इनकी देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे FIR लिखी गई है और इनकी निशानदेही करा रहे हैं किन किन व्यक्तियों की है। उनको हम लोग अगर देखेंगे, अगर FIR लिखी गई तो उनको विधिवत उसका निस्तारण भी करेंगे। और अभी इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है और जो एक व्यक्ति इनका फरार है उसके भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे। की कीमत अलग अलग होती थी, जैसे स्प्लेंडर बाइक वो अगर नहीं लेंगे तो 60-70 हज़ार की, तो उसके लगभग आधे दाम में बेचते थे। हम ये भी देख रहे हैं जो बेचने वाले जो खरीदने वाले व्यक्ति उनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई करें। कोविड से हुई मौत में ललितपुर के पत्रकार के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता मिली। कोविड के चलते जान गंवाने वाले यूपी के 50 पत्रकार के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रदान किए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। तो कार्यक्रम में ललितपुर के शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार स्वर्गीय राजीव पवैया, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी, उनकी धर्मपत्नी नीलू जैन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय उपस्थित रहे। दिवंगत पत्रकार के परिजनों ने मुख्यमंत्री व जिला अधिकारी ललितपुर व जिला सूचना अधिकारी का आभार जताया। गायत्री पत्नी परसु ने एक शिकायती पत्र देखकर मांग की है कि जिलाधिकारी से मांग की है कि गरीब है, वहीं वर्षों से उसका आवास अभी तक नहीं बन पाया है, आवास के नाम पर प्रधान व सेक्रेटरी उससे परेशान करते हैं, वहीं पैसे की मांग करते हैं। अब देखना है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि हम पहले आपको पीड़ित का वह बयान सुनवाते हैं जिसकी आज आपको जरूरत है, जो पीड़ित अपना दर्द बयान कर रही है। और जिस तरह से कौन आए, प्रधान जी भी आए थे और आप देख भी आए थे, सेक्रेटरी हाँ, ग्राम विकास अधिकारी हाँ, तो क्या कह रहे थे, तो कह के बन जाएगा और फिर कह लेके अब बाद में आज जो हमें पैसा दो 20,000 रुपया और हम कहाँ से रहे, हम गरीब लोग हैं। फिर आपने क्या किया, इसमें कोई कार्रवाई की? हाँ, की है। डीएम लोग के पास गए थे और एक जगह और गए थे। अच्छा, तो अब आप आगे क्या चाहती हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा आवास बनना चाहिए। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को किया गया विकास खंड तालबेहट में सम्मानित। विकास खंड तालबेहट के सभागार में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय कुमार सिंह, जेके सिंह, ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा व BDO संदीप मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि व ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को किया सम्मानित। वहीं हम बताते चले कि इससे कहीं ना कहीं 2022 का आगाज कहे तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से लेकर कार्यकर्ताओं के तेवर बदले हुए हैं, बता दें कि सामाजिक कार्यों में कहे तो वही विकास कार्यों में कहे तो उनका अंदाज बदल गया है। वह लोगों के बीच पहुंच रहे, वह शासन प्रशासन की हर योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, यह एक अच्छे संकेत है। पर हम बता दें कि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा भी पूरे एक्शन बोर्ड में, हालांकि हम रामरतन कुशवाहा की बात करें तो वह इससे पहले भी लगातार लोगों से मिलते रहे, वह सरल है, सहज है, ऐसा नहीं कि आज 2022 का आगाज है तो इससे पहले वो मिलने लगे। पर रामरतन कुशवाहा जैसे पहले लोगों से सरलता से मिलते थे, अब उनका जो लगाव है वो पहले भी था, आज भी है और उनकी सरलता सहजता की लोग तारीफ भी करते हैं। आज वहीं इस दौरान सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने भाजपा की उपलब्धियों को बताया तो वहीं निर्वाचित प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित भी किया। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।